जो जीडीपी के डेटा आज सीएसओ ने जारी कर दिए हैं, और -23.9% कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी का। जो ये डेटा जो आया है, ये एक्सपेक्टेड ही था? ये देखिए एक्सपेक्टेड तो था, लेकिन जो विद्वानों के बीच में राय थी एवरेज निकाल के, तो विद्वानों की राय एवरेज में थी कि 20% तक हो सकता है, ये 23% उससे थोड़ा ज्यादा है। हालांकि वो अलग अलग लोगों को जिनको पोल किया जा रहा था वो कह रहे थे कि -20 से -15 के बीच में आ सकता है, ये -23.9% आ गया है, तो ये ज्यादा खतरनाक है उस हिसाब से। अगर मैं आपसे जानना चाहूं एक एक्सपर्ट के नाते कि क्यों एक आम इंसान को इसे तवज्जो देनी चाहिए और क्यों उसे इस वक्त परेशान होना चाहिए, क्योंकि जीडीपी का आंकड़ा इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जितना कॉन्ट्रैक्शन है जीडीपी के अंदर, वो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए आम आदमी को जीडीपी के आंकड़े से क्यों फर्क पड़ना चाहिए, वो इसलिए है कि ये जीडीपी और कुछ नहीं है, ये जीडीपी आपके आसपास के हालात का आईना है, क्योंकि जीडीपी कोई भविष्यवाणी नहीं है कि दुनिया में ऐसा होने जा रहा है, ये बता रहा है कि ये हो चुका है, ये सबूत है, इसलिए इसको देखना चाहिए। और अगर जीडीपी में 23% की गिरावट आ गई है, इसका अर्थ है कि इस देश में कुल कारोबार जो हो रहा था सब कुछ मिला के, इसमें मेरा आपका खरीद बिक्री सब शामिल है, वो सारा मिलाकर 23% कम हो गया है। इसे अब यूं देख लें कि अगर मैं एक दुकान चलाता हूं और मेरी दुकान का कारोबार 1 लाख रुपए का होता था महीने में या रोज में, और वो 23% गिर गया, यानी 23,000 रुपये मेरा कारोबार घट गया है। अगर मेरा टर्नओवर 23% घट गया है तो जाहिर है मेरा मुनाफा भी इसी हिसाब से गिरेगा। इसी हिसाब से जिन लोगों को मैं तनख्वाह देता हूं उनसे कहूंगा, भाई अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो या तो 4 लोगों को निकाल देगा 10 में से, और या सबसे कहेगा कि भाई 20-25-30% का कट ले लो। तो इसका हमारे ऊपर जो सीधे असर आता है वो ये है कि हमारे लिए रोजगार के मौके कम हो जाते हैं, हमारे बच्चों को हमको नौकरियां मिलने में मुश्किल होगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियां जा सकती हैं। और अब यहां से सुधरने के लिए वापस जो गोल हम देख रहे थे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, उसके लिए अब 8-9-10% से काम नहीं चलेगा, अब तो 12-13% 15% के ग्रोथ की सोचनी पड़ेगी अगर इस देश को आगे बढ़ना है और अपने वापस उस रफ्तार पे जाना है जिस रफ्तार की कल्पना की जा रही है। तो आप जो कह रहे कि विद्वानों की एक एकमत राय यही थी कि हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी लॉकडाउन के दौरान और ये जाहिर था कि कम ही होगा, लेकिन फिर भी जो पिछले 4 साल से जो जीडीपी का आंकड़ा आ रहा है वो तो कम ही आ रहा है। मतलब 2016-17 का भी देखिए, 17-18, 18-19, तो धीरे धीरे जीडीपी कम ही होती जा रही है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, ये जो जीडीपी का डेटा है उसको? 40 साल में ये पहला मौका होगा जब ये नेगेटिव में इतने बड़े पैमाने पर नेगेटिव जा रहा है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कभी कभार नेगेटिव ट्रेंड्स दिखते थे, लेकिन ये 20% से ऊपर का नेगेटिव होना, 40% तक कुछ लोगों ने प्रिडिक्ट कर दिया था, लेकिन जो जी चीजें दिख रही हैं अगर आप उन पर ध्यान दें, आपने आपके सामने जो डेटा है तो उसमें आप रेलवेज देखिए, पैसेंजर किलोमीटर 99.5% कम है, मतलब लगभग नहीं है, आधा परसेंट पैसेंजर ट्रैफिक हुआ है, और जो माल भाड़ा होता है वो भी -26% है। माल भाड़े को बाद में, आपको ध्यान हो तो चालू किया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जो 2 महीने का झटका है वो अनेक जगहों पे, कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 84% गिरी हुई है, सीमेंट प्रोडक्शन 38%, स्टील का कंजम्पशन 56%, तो मैन्युफैक्चरिंग से बड़ा झटका लगा हुआ, और ये लगने के पूरे तैयारी थी ही, आसार था कि ये लगेगा। इसको कहां से कॉम्पनसेट कर रहे थे वो जगह देखने की है कि वहां क्या हो रहा है। दो ऐसी जगह हैं, एक एग्रीकल्चर में जहां जानकारों को उम्मीद थी कि जहां पिछले साल इसी समय 3% की ग्रोथ दिखी थी, इस साल 2%, कुछ लोग 2% कह रहे हैं, कुछ 7%, ये वाइड रेंज है 2 से 7% तक की दिखने की दिख सकती है। और दूसरा जहां सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो है सरकारी खर्चा, जो जिसको इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा दिखाया जाता है, इस वक्त सरकार ही एक वो माध्यम है जो खर्च करके इकोनॉमी को वापस पटरी पर ला सकती है, भरोसा दिला सकती है, या जो जनता परेशान है उसको किसी तरह का सहारा दे सकती है। तो सरकार ने जो खर्चा किया, इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि फिजूल खर्चा किया या बैलेंसिंग के हिसाब से किया है।
कहा जाता है कि जो ये तो जो जीडीपी का आंकड़ा है वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हिसाब से ही नजर आता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ या कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना काम हुआ। लेकिन ये भी है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर इतनी इतना गिरावट है अगर जीडीपी का, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो शायद लगभग 94% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, उसका क्या हाल हुआ होगा? उसके लिए फिर आपको एक दूसरा आंकड़ा देखना है, वो जो सीएमआई का आंकड़ा आता है, और सीएमआई के आंकड़े में देखा गया कि जहां अप्रैल के महीने में 1,12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे, वो आंकड़ा रिवाइव होकर वो 1 करोड़ की बेरोजगारी पर रुक गया है। यानी उनका कहना है कि इसमें से अब लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार वापस मिल चुका है और 1 करोड़ ही बचे हैं जो अब रोजगार में नहीं है। तो वहां राहत की खबर है, लेकिन वो राहत की खबर का कारण भी आपको ये दिख रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, सरकार का खर्चा बढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो शहर छोड़ के गांव चले गए वो नरेगा में रोजगार पा रहे हैं या वो किसी दूसरे तरीके का काम करने लगे हैं। इस वक्त जो ज्यादा बड़ी चिंता सामने खड़ी है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और जो सैलरीड रोजगार में लोग हैं उनके लिए है, मिडिल क्लास की, क्योंकि ये सैलरीड लोगों की नौकरियां जा रही हैं। सिर्फ जुलाई के महीने में ऐसे 50 लाख लोग नौकरी से निकाल दिए गए, और अभी जब मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा आज, कल से ईएमआई दोबारा भरने का समय आएगा, कल से व्यापारियों को भी अपने कर्ज की किस्त चुकानी होगी, लोगों को क्रेडिट कार्ड के बिल भरने होंगे, घरों की, कार की, पर्सनल लोन की ईएमआई भरनी होगी, तब दरअसल सामने आएगी वो तकलीफ जो अभी तक दबी हुई है। ये वर्क फ्रॉम होम में डिस्टेंट कम्युनिकेशन में नहीं होता, ईमेल पे नहीं कहा जा सकता है कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आदमी मुकदमा लड़ लेगा। इसलिए जब लोग दफ्तर पहुंचेंगे वापस उनसे कहा जाएगा कि अब आप छोड़ दीजिए, या वो इस हालत में नहीं हो सकता, बहुत से लोग, बहुत से कारोबार इस लायक रह ना जाएं कि वो लोगों को नौकरी पर रख सकें। लेकिन ये संकट अभी बढ़ रहा है, और जैसे आपने कहा कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तकलीफ दिखती नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मदद करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जब इस तरीके की स्थिति हो तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, इकोनॉमी थोड़ा सा लाइन पर आए? सरकार को जो करना चाहिए, देखिए वो बहुत लोग बता चुके हैं, और सरकार की जो इस वक्त जो आर्थिक सलाहकार परिषद है वो उसमें बहुत अच्छे बाजार के और इकोनॉमी के जानकार लोग मौजूद हैं। मेरा ख्याल है बात बताई जा चुकी है, नुस्खे उनके पास हैं, और सरकार की तरफ से एक संकेत आया है पिछले हफ्ते भर में ही, जिससे लगता है कि वो अब तैयारी कर रहे हैं कि वो कब अगला कदम उठाएंगे। एक स्टिमुलस का कदम जिसको कहा गया कि आर्थिक पैकेज लाए हैं, वो था बहुत बुरी तरह परेशान लोगों को किसी तरह राहत देने का, यानी जिंदगी चलाने का, जो तब कहा जा रहा था कि जीवन और जीविका में क्या चुने, तो सरकार ने पहले जीवन चुना है, अब दूसरा स्टेप है कि रोजगार बढ़ाए जाएं, उनको कैसे वापस काम पे लगाया जाए, और खास तौर पे ये लोग भी जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ, सिर्फ वो गरीब आदमी जिसको दो टाइम की रोटी मिल जाए उससे उसका काम चल जाता है, उसके लिए नहीं, उसके ऊपर के लेवल पे, उसके लिए इकोनॉमी को एक बड़ा पुश देना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन अब वो पैसा कहाँ से लाएगी एक बड़ा सवाल ये है, और दूसरा वो सही मौके का इंतजार कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम धक्का भी लगा दें और गाड़ी चले भी नहीं। तो ये संकेत मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से आया कि हम एक ऐसे समय पर पुश या इम्पीटस देना चाहेंगे जहां पर उसका वास्तव में फायदा हो, यानी जब कोरोना कंट्रोल होता हुआ दिखने लगेगा, जिसकी संभावना है कि आगे शायद 1-2 महीने में ऐसा लगे कि वो ग्राफ नीचे जा रहा है, उस वक्त एक पुश दिया जाए, लॉकडाउन भी खुल रहा हो, अनलॉक हो रहा है, साथ में सरकार पैसा लगाए, सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा, सरकार के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम और आप यहाँ बैठ के सुझाव दे सकते हैं, लेकिन फिर उसके जो नतीजे भुगतने हैं वो उनको भुगतने होंगे, इसलिए मेरा ख्याल है तलवार चलानी उसी को, जिसको तलवार चलानी है उसी को फैसला करना होगा कि उसे कब उठानी है और कब चलानी। लॉकडाउन अगले जो क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर वाले में तो लॉकडाउन खुलने लगे, वो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो अब ये भी तो है कि शायद अगली बारी जो क्वार्टर 2 के जो नतीजे आएंगे वो शायद इससे बेहतर होंगे। क्वार्टर 2 में इससे तो यकीनन बेहतर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये आप समझिए कि वो सबसे बड़ा झटका जो था मार्च के महीने में, 23 मार्च को सबसे तगड़ा झटका लगा था जब पता लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद 2 महीने बंद रहा। अब जो सवाल है वो सवाल ये नहीं है कि रिवाइव होगा या नहीं होगा, अब का सवाल ये है कि रिवाइवल पहले कहां से आएगा, कौन सी
इंडस्ट्री या कौन से सेक्टर से पहले आएगा? क्या पहले डिमांड पैदा हो जाएगी इकोनॉमी में, हम लोग खरीदना शुरू कर देंगे? अभी क्या लोग डरे हुए हैं, उनको ये हिम्मत नहीं पड़ रही है, पैसा है भी हाथ में तो जाकर बाजार में सामान खरीदें। तो या तो लोग खरीदना शुरू करेंगे, उसके लिए सरकार लोगों के हाथ में सीधे पैसा डाल दे, जब लोग खरीदना शुरू करेंगे डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री अपने आप बनाना शुरू करेगी, बेचेगी, उसके लिए कर्जा लेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। दूसरा रास्ता है कि क्या पहले सरकार कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट कर दे जिनसे डिमांड जनरेट हो। तो अब इनमें से कौन सा रास्ता पहले अपनाया जाएगा, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है सरकार के पास से ही आना है, क्योंकि पैसा रिलीज करना और दूसरा लोगों के अंदर ये भरोसा जगाना कि अब आगे सिचुएशन खराब नहीं होगी, बेहतर होगी, ये दोनों काम उसके हाथ में ही है। हाँ, कोरोना का टीका अगर आ गया, वो जब भी आ जाएगा, मेरे हिसाब से इस संकट का अंत तो वहीं होना है जब कोरोना का इलाज हमारे आपके सामने होगा, क्योंकि उससे पहले तक ये डर लगातार बना रहेगा कि कहीं कोरोना का एक वेव और तो नहीं आ रहा है।